मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पहल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम आकृतियों की गणना के अंतर्गत त्रिभुज की काउंटिंग की थी, जो आपको लगभग मेरे अनुमान से समझ में आ गई होगी। आज हम उससे आगे वर्ग से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ये भी एक अच्छी आकृति है, इसमें भी लगभग एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई आकृति दे दी जाती है और उस आकृति में पूछा जाता है कि इसमें कुल कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, सममित आकृति। सममित आकृति कौन सी होती है जिसके अंदर एक समान क्या हो, पंक्ति और स्तंभ एक समान हो। ये तो है इसकी पंक्ति, ये इसका स्तंभ। तो ये क्या है, पंक्ति बराबर स्तंभ। सममित आकृति की कौन सी पहचान होती है, पंक्ति बराबर स्तंभ। जैसे ये पंक्ति दिया और ये स्तंभ, तो इनकी दोनों की आकृति और स्तंभ दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चलो इसी प्रकार से एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपको एक आकृति दिखाई दे रही है और इसके अंदर पूछ ले कि कुल कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो वर्ग की क्या विशेषता होती है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। जैसे मान लो चारों भुजाएं ए है, तो चारों भुजाएं का मान क्या होगा, समान होगा। तो देखिए इसके अंदर कुल कितने वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और एक ये बड़ा वाला। कुल कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं आपको, 5 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार एक और आकृति है, इसको आपको पूछा जाए कि कुल वर्ग कितने हैं। तो ये पहले तो ये देख लो, सममित आकृति है, आकृति और स्तंभ और पंक्ति क्या है, दोनों बराबर है। तो आप क्या करना है, आपको नंबरिंग कर लेनी है, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। दोनों तरफ क्या है, इतनी पंक्तियां और इतने ही स्तंभ है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, जितने आपको दे रखा है उसको क्या करना है, सभी को वर्ग कर लो। 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9 और इन सभी का टोटल कर लो। टोटल कितना आएगा, 14। तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इतना ही करना है, इस 1 का वर्ग कर दो 2 का वर्ग कर दो और 3 का वर्ग कर दो और उन सभी को जोड़ लो, वही इसका सही आंसर होगा। इसी आधार पर एक और आकृति लेते हैं, इसमें हमें क्या करना है, देखिए वही नंबरिंग कर लेनी है पहले। तो अब क्या करना है, इन सभी का वर्ग कर दो, 1 का वर्ग 1, 4, 9 और 16, इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। टोटल कितना आएगा, 16, 4, 20 और 10, 30, ये आपका सही आंसर होगा। अब सेकंड टाइप का देखिए, असममित आकृति। असममित आकृति कौन सी होती है जिसमें क्या होता है, पंक्ति नॉट इक्वल टू स्तंभ, क्या है, पंक्ति और स्तंभ समान नहीं होते, वो क्या हो, कौन सी आकृति है, असममित आकृति है। ये एक एग्जांपल देखिए, इसके अंदर आपको पूछा जाए कि वर्गों की संख्या कितनी है, तो बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग कर लीजिए, कितनी है, स्तंभ 3 है और पंक्तियां कितनी है, 2 है। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम याद कर सकते हैं, हाईएस्ट कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ है। देखिए सबसे पहले 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। अब इसको एक एक कम करके चलते हैं, 1 पंक्ति और 2 स्तंभ, जहां 1 आ जाए, चाहे पंक्ति में आ जाए चाहे स्तंभ में आ जाए, वहीं अपने को रुक जाना है। तो देखिए इनको गुणा कीजिए, 3 को 2 से किया 6, 2 को 1 से किया 2, कुल कितने हुए,
आठ। इसमें कितने वर्ग आपको दिखाई देंगे? आठ दिखाई देंगे। आपको काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना याद रखना है पंक्ति इंटू स्तंभ, और जहां हाईएस्ट वैल्यू पंक्ति की हो और हाईएस्ट वैल्यू स्तंभ की हो उनको गुणा करो, और जहां वन आ जाए वहां रुक जाओ। इस प्रकार से आपको एक आकृति दे रखी है और उसमें पूछे कि वर्गों की संख्या कितनी है, तो आपको सबसे पहले वही काम करना है, नंबरिंग कर लो इनकी। पंक्ति और स्तंभ अलग अलग है, तो असीमित आकृति है। असीमित आकृति के लिए ट्रिक बताई थी आपको, हाईएस्ट पंक्ति और हाईएस्ट स्तंभ को सबसे पहले लेते हैं, तो 4 × 7 कितने हो गए? 28। और फिर लेंगे 3 × 6, 2 × 5 और 1 × 4। यहां जहां आप में चाहे पंक्ति में एक आ जाए या स्तंभ में एक आ जाए वहीं आपको रुकना है। अब इन सभी को क्या कर लो, गुणा कर लो और फिर जोड़ लेना। 6 को 3 से किया 18, 5 को 2 से किया 10 और 4, इन सभी का टोटल कितना आ रहा है? 60। कितना आ रहा है? 60। तो ये आपका सही आंसर होगा। सबसे पहले ये आपको आकृति बताई थी, इसके अंदर कितने वर्ग हैं? तो कितने? 1, 2 और 2। कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं इसको? 2 × 2, 1 × 1 कितने हैं? 4 × 1 कितने? 5। अगर इस आकृति के अंदर इस प्रकार से एक आकृति और डाल दी जाए तो इसमें क्या होगा, कुल कितने वर्ग दिखाई देंगे आपको? तो एक वर्ग ये और काउंट हो जाएगा, तो कुल कितने वर्ग होंगे? 6 वर्ग होंगे। नोट लगा के लिख लीजिए, आगे प्रश्नों में ये बहुत आसानी रहेगी। अगर आपको इस प्रकार की आकृति याद रहे तो आपको काउंटिंग में आसानी रहेगी। अगर इस प्रकार की अगर आकृति आपको दिखाई दे तो कुल कितने वर्ग होंगे? 5 वर्ग होंगे। और आपको प्रश्नों में इस प्रकार की आकृति की दिखाई देगी तो आपको काउंटिंग में आसानी होगी। इस प्रकार की अगर आकृति हो तो उसमें कुल कितने वर्ग होंगे? 6 वर्ग होंगे। इनको याद कर लीजिए। चलिए अगली आकृति, इसमें आपको पूछे कि कुल वर्ग कितने दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इस प्रकार की अगर आपको कहीं भी आकृति दिखाई दे तो उसमें कुल कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो इसमें आपको केवल वर्ग गिनने हैं, कितने? 1, 2, 3, 4। 4 वर्ग है, एक वर्ग में कुल कितने वर्ग बनते हैं? 5 बनते हैं। तो 5 को 4 से गुणा कर दो और तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें कितने वर्ग है? 20 वर्ग हैं। अगली आकृति देखिए, इसके अंदर आपको पूछा गया है कि कुल कितने वर्ग हैं। तो इस प्रकार की आकृति एग्जाम में लगभग पूछी गई है और ये एग्जाम में आई हुई आकृति है, तो इस पे ध्यान रखिए, आपको लगभग वही आकृतियां कराई जाएंगी जो लगभग एग्जामों में पूछी गई है, और उसी आधार पर आगे भी एग्जामों में पूछी जा सकती है। तो देखिए, आपको मैंने एक मेथड बताया, इस आकृति में सबसे पहले आपको कौन सी आकृति दिखाई दे रही है? इसको बीच वाली आकृति देख लीजिए आप, इसमें क्या दे रखा है? पंक्ति और स्तंभ दे रखे हैं। तो आपको क्या था, नंबरिंग करनी थी। क्या करनी थी? इसकी नंबरिंग करनी थी। 6 है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो क्या करना है? इसका वर्ग कर लो, 1, 4 और 9 कितने? 14। अब इस बीच वाली आकृति को अगर हम यहां से हटा दें तो आपको बाहर क्या आकृति दिखाई देगी? सेम इस प्रकार की आकृति बाहर भी आपको दिखाई दे रही है। अगर इसको हटा दें तो ये लाइनिंग मिल जाएगी दोनों तरफ और इस प्रकार की आकृति और बन जाएगी। तो सेम यही आकृति इसमें है, तो कितने? 14 वर्ग इसमें भी दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें ये जो बीच वाला है, जो बीच वाला वर्ग है, ये दोनों में काउंट हो रहा है। तो आपको कितने वर्ग होंगे? 14 + 14 - 1, 28 में से एक कम कर दो, कितने होंगे? 27। तो इसमें आपको कितने वर्ग दिखाई देंगे? 27 वर्ग दिखाई देंगे। अगली आकृति देखिए, इसमें आपको पूछे कि कुल कितने वर्ग होंगे। तो
तो आपको सबसे पहले मैंने बताया कि आपको अगर इस प्रकार की आकृति दिखाई दे तो उसमें कुल कितने वर्ग होते हैं, छह वर्ग होते हैं। आपको काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों कितने होते हैं, छह वर्ग होते हैं। तो छह कितने हो, एक दो तीन और चार, चार इंटू छह कितने हो गए, चौबीस। अब देखिए प्लस वाली आकृति में कितने वर्ग होते हैं, पांच। तो ये प्लस वाली आकृति बन रही है, इसमें कितने हो गए, पांच। तो प्लस से पांच और ऐड कर दो, और उसके बाद देखिए अंदर एक दो तीन और चार, ये चार और दिखाई दे रहे हैं। तो कुल कितने वर्ग हो गए, चौबीस पांच उनतीस चार तैतीस। इस प्रकार की आकृति में कितने वर्ग होंगे, तैतीस वर्ग होंगे। अगली आकृति देखिए, इस प्रकार की आकृति को देखकर बिल्कुल ही घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, इसको आपको उस ट्रिक के माध्यम से ही हल करोगे तब आसानी होगी। अगर आप सबसे पहले ये आकृति लेके काउंटिंग करना स्टार्ट कर दोगे, जैसे आपने छः पाँच छः पाँच छः पाँच, अगर ये वाले फिगर सबसे पहले उठा लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको वही पंक्ति स्तंभ वाला फॉर्मूला ट्रिक अपनानी है। इसके अंदर कितने दे रखे हैं, इस बीच वाली आकृति को आप भूल जाइए एक बार की, ये कुछ नहीं है, केवल डब्बे वाली दे रखी है आकृति और स्तंभ। तो इसमें कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। आपको क्या करना था, इन सभी को वर्ग करना था। ये क्या एक सममित आकृति है, तो एक का वर्ग कर लो, कितने आएंगे, एक चार नौ सोलह पच्चीस, कुल कितने हो गए, इन सभी का टोटल किया तो कितने आ गए, पचपन। अब आप इसके अंदर आकृतियों को ऐड कर लो, एक एक आकृति को। इसके अंदर मैंने आपको कितनी आकृतियां बताई थी, कुल कितने वर्ग बताए थे, इस प्रकार की आकृति में मैंने आपको छह वर्ग बताए थे, लेकिन इसका जो बाहर वाला बड़ा वाला है वो हमने पहले इसमें काउंट कर लिया है, और इसमें मैंने कितने बताए थे आपको, पांच बताए थे, लेकिन जो बड़ा वाला वर्ग है वो इस पहले वाली ट्रिक के अंदर काउंट हो चुका है। तो आपको यहाँ कितने वर्ग काउंट करने हैं, केवल पांच ही वर्ग काउंट करने हैं, और यहाँ कितने काउंट करने हैं, चार वर्ग ही काउंट करने हैं। तो इस प्रकार की आकृति कितनी है, एक दो तीन चार और पांच, पांच को पांच से गुणा किया कितने हो गए, पच्चीस। इस प्रकार की आकृति कितने होंगे वर्ग, पच्चीस वर्ग ये हो गए। और इस प्रकार की आकृति कितनी है, एक दो तीन और चार, चार को चार से गुणा कर दो कितने आएंगे, सोलह। टोटल कर लो इनका, टोटल कर लो कितने आएंगे, दस सोलह, दस और छह सोलह और पांच सात, एक आठ और एक हाइसल नौ। कुल आपको इस प्रकार की आकृति में वर्ग गिनने में कितनी आसानी हुई, कितने वर्ग होंगे, छियानवे वर्ग होंगे। एकदम आसानी से इस इतनी जटिल आकृति को हम एक चुटकी में हल कर लिया, और कितने वर्ग आए, छियानवे वर्ग आए। अगली आकृति देखिए, इसके अंदर कुल कितने वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कौन सी है? इस बीच वाले पार्ट को आप भूल जाए, केवल आपको कौन सी आकृति दिखाई दे रही है। अगर बीच वाले पार्ट को आप छोड़ दोगे तो आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। ये बीच वाला पार्ट छोड़ दो तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो इस प्रकार की आकृति में मैंने आपको बोला था कि छह वर्ग होते हैं। तो ये बार वाला है, इसमें कुल कितने वर्ग दिखाई देंगे आपको, छह वर्ग दिखाई देंगे। फिर आप इस बीच वाले हिस्से को छोड़ दो तो आपको फिर एक ऐसी आकृति दिखाई देगी। तो इस वर्ग में कुल कितने वर्ग बनेंगे, छह बनेंगे। अब इसके बाद इसके अंत में बीच के अंदर एकदम आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है। इस प्रकार की आकृति में मैंने आपको कितने वर्ग बताए थे, पांच वर्ग बताए थे। तो अब इनको जोड़ लो, छह प्लस छह प्लस पांच, कुल कितने वर्ग होंगे, सत्रह वर्ग होंगे। ये इसका आंसर होगा, कितने वर्ग होंगे, सत्रह वर्ग होंगे। अगली आकृति देखिए, इस प्रकार की आकृति में कुल कितने वर्ग होंगे। तो आपको इस प्रकार की आकृति देखकर घबराओ मत, आप सबसे पहले वही मेथड अपनाओ बीच वाला, कितने, एक दो और तीन, एक दो और तीन, सममित आकृति है। सममित आकृति में क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो एक का वर्ग कितना हुआ, एक, दो का वर्ग चार, और नौ का वर्ग
तीन का वर्ग 9, कितने हो गए 14। 14 के बाद ये तो बीच वाला तो पूरा काउंट हो गया, इसके बाद कितने बच गए 1 2 3 4, 4 और बच गए, तो इसमें 4 और ऐड कर दो, कितने होंगे 18 वर्ग होंगे। अगली आकृति देखिए, इस आकृति में कुल कितने वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप तो वही पंक्ति वाला काउंटिंग कर लो, क्या है सम आकृति है तो क्या करना आपको वर्ग करना है। 1 का वर्ग 1 4 9 और 16, कितने हो गए 30, तो ये हो गए। इसके बाद मैंने आपको बता दी कि अगर प्लस वाली आकृति बने तो उसमें कितने वर्ग होंगे, 5 वर्ग होंगे। तो इसमें कितनी आकृति दिखाई दे रही है इस प्रकार की, 1 2 3 4, 4 को 5 से गुणा कर दो, कितने आ गए 20, 4 × 5 कितने आ गए 20, कुल कितने वर्ग हो गए 50। तो इस प्रकार की आकृति में कितने वर्ग दिखाई देंगे आपको 50। अगली आकृति देखिए, इस आकृति में कुल कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले वही काउंटिंग वाला, 1 2 3 4, 2 3 4, ये क्या है आप इसको भी इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी स्तंभ क्या है या पंक्ति पूरी नहीं हो रही। तो 4 4 तक बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या होगा 1 का 1 4 9 और 16, कितने हो गए टोटल 30। 30 वर्ग तो हमें इतनी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये 2 क्या है एक्स्ट्रा, 2 इधर एक्स्ट्रा, तो इनको ये 31, ये 32, 33, 34, 34 ही दिखाई दे रहे हैं, नहीं इसके अंदर और भी बन रहे हैं। देखिए 34 के बाद एक ये वर्ग और बन रहा है 35 नंबर, इसके बाद इन चारों को जोड़ेंगे तो एक वर्ग और बनेगा, कितने बनेंगे कुल 36 वर्ग बनेंगे। वर्ग से संबंधित सभी प्रकार की आकृतियां आपको लगभग समझ में आ गई होंगी। अब एक आकृति आपको देखे जा रहे हैं, इस आकृति में कुल कितने वर्ग होंगे ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।